मास्टर जी अभी तक नहीं आए, पर उन्हें तो कभी देर नहीं होती। सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो। पर आप कौन है? मेरा नाम है कमल गुल जी, और क्योंकि आपके मास्टर जी एक हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाते उनकी जगह मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं क्लास में कुछ बता रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं करेगा, क्लास में कोई लड़ाई नहीं करेगा, जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी, मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई सवाल? बहुत अच्छे, तो आज का पाठ शुरू करते हैं। तैयार हो राजू? बिल्कुल तैयार। बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए और कोई जगह नहीं मिलती क्या? मेरे घर की खिड़कियाँ तो तोड़ ही दी है, और अब मेरे दांत तोड़ने पर तुले हो। ठीक है माँ, गुस्सा मत हो, हम कहीं और जाकर खेलते हैं। आउट! अब मेरी बारी। मैं आउट नहीं हूँ। भीम ने लाइन के आगे से बॉल डाली है। राजू, तेरी बारी फिर से आ जाएगी, अब जग्गू को खेलने दे। ठीक है ठीक है, पर अब गेंदबाजी मैं करूंगा। ठीक है। हाथी की बगल में नहीं सोना चाहिए। चूहे उसके पेट में खेल रहे हैं और चोट हमें लग रही है। क्या कहा तुम दोनों ने? कालिया, तुमने हमारी बॉल देखी क्या? तो इस बॉल ने मेरी नींद खराब कर दी, और ये बॉल तुम्हारी है, इसका मतलब तुमने मेरी नींद खराब की है। ये बॉल तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगी। देख कालिया, चुपचाप से बॉल वापस कर, वरना। अब ये बॉल तो तुम्हें एक ही शर्त पर वापस मिलेगी। कैसी शर्त? यही कि तुम्हें मुझे भी खिलाना पड़ेगा। और हमें भी। क्यों? तुम्हें क्यों खेलने दे हम? अरे राजू, और ज्यादा लोग होंगे तो और मजा आएगा। और आपके साथ साथ मास्टर जी हमें भी मुर्गा बना देते हैं। छोड़ो, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे कालिया, दो ही दिन की तो बात है, फिर तो। नहीं भीम, नहीं, अब मैं और नहीं सह सकता। स्कूल चलो कालिया, अगर तुम कोई गलती नहीं करोगे तो मास्टर जी तुम्हें सजा क्यों देंगे? यही तो परेशानी है चुटकी, आज भी मैंने होमवर्क नहीं किया। कोई बात नहीं, मास्टर जी को सच बता देना, फिर मास्टर जी तुम्हें सजा नहीं देंगे। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो
चलता हूँ। अब चलो भी उस्ताद, वरना फिर से देर हो जाएगी। ये रही चैंगो की दुकान। बाहर से तो कुछ खास नहीं लग रही, अंदर चलकर देखते हैं। ओह, चैंगो की दुकान में तुम्हारा स्वागत है बच्चों। बताओ तुम्हें कौन सा खेल सबसे ज्यादा पसंद है? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा खेल है जो हमने पहले कभी नहीं खेला हो, एकदम नया? मैं तुम्हें दिखाता हूँ दुनिया का सबसे शानदार खेल। सांप सीढ़ी, ये तो हमने बचपन में कई बार खेला है, इसमें क्या नया है? अरे खेल कर तो देखो, अगर पसंद नहीं आए तो मत खरीदना। ये सब क्या है? कहाँ हैं हम? तुम सब तो चैंगो की दुकान में ही हो, पर अब तुम सब चैंगो के खेल का हिस्सा बन गए हो। भागो! बाहर निकलने का रास्ता, सब उस तरफ जाओ। तुम इन सीढ़ियों को नहीं तोड़ सकते भीम। तुम जानते नहीं चैंगो, लड्डू खाकर हमारा भीम ऐसी एक नहीं हजार सीढ़ियां भी तोड़ सकता है। ये लो भीम। अब तुम्हारी बारी है चैंगो। ये खिलौनों की दुकान तो धूल में मिल गई। अब ये बताओ कि कौन मेरे साथ लुका छुपी खेलेगा। तो फिर चलो जंगल तक दौड़ हो जाए। आज तो सबने अपना होमवर्क किया है, इसलिए सबके लिए आज मैं ढेर सारे लड्डू लाया हूँ। कालिया यहाँ आओ। कालिया, नहीं कालिया, मुझे तुम्हारी माफी नहीं, तुम्हारी मेहनत चाहिए। असल में तुम मुझसे नहीं पढ़ाई से डरते हो। डट कर मेहनत करोगे तो तुम्हें किसी भी चीज से भागने की या डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे?